काला जठेड़ी को पुलिस हिरासत से फरार करवाने वाले कुख्यात शूटर को स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नीतीश उर्फ प्रधान के पास से एक पिस्तौल बरामद की गई है। वो काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे खास शूटर है। उनके इशारे पर वो आधा दर्जन से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दे चुका था। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, लूट, जबरन उगाही आदि की 20 से ज्यादा FIR दर्ज हैं। फिलहाल उसे गैंग को मजबूत करने के लिए नए युवाओं को भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इससे एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला है जिस पर काला जठेड़ी गोल्डी बरार ग्रुप लिखा हुआ है। DCP मनीषी चंद्रा के अनुसार स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट लगातार फरार चल रहे बदमाशों को पकड़ने को लेकर काम कर रही थी। इस दौरान उन्हें नीतीश उर्फ प्रधान के बारे में जानकारी मिली जो काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है। पुलिस को पता चला कि पंजाब के कोटकपुरा में दो गैंग के बीच चल रही रंजिश में वो गोली चलाकर भागा है। 23 जून को उन्हें पता चला कि नीतीश बस में सवार होकर ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डे आएगा। इस जानकारी पर ACP राहुल विक्रम की देखरेख में इंस्पेक्टर विक्रम दहिया और संदीप डबास की टीम ने ट्रैप लगाकर उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक पिस्तौल बरामद हुई। इस बाबत आर्म्स एक्ट का मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया है। हाल में कुख्यात शूटर नीतीश द्वारा की गई वारदातें 22 जून 2021 लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के इशारे पर उसने कृष्ण एवं 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर हरवेल सिंह उर्फ रवेला नामक शख्स पर फरीदकोट में हमला किया। यह हमला लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गुरलाल बरार और उसके रिश्तेदार गोल्डी बरार पर हुए हमले का बदला था। इस हमले में उसका साथी किशन भी मारा गया। 6 मार्च 2021 देर रात उन्होंने सिविल डिफेंस के एक जवान को बवाना इलाके से अगवा कर ताबड़तोड़ गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मार्च 2021 गुरुग्राम से 3 लोगों को स्कॉर्पियो में अगवा किया था। इनमें से 2 लोगों की हत्या कर दी थी जबकि तीसरा भागने में कामयाब रहा था। इस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कुलदीप उर्फ फज्जा को फरार करवाने में किया गया था। फरवरी 2021 जबरन उगाही के लिए उसने एक प्रॉपर्टी डीलर पर छावला इलाके में गोली चलाई थी। यह वारदात काला जठेड़ी के इशारे पर अंजाम दी गई थी। फरवरी 2021 मुंडका इलाके में उन्होंने गैस एजेंसी के मालिक को धमकाने के लिए गोली चलाई थी जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था। जनवरी 2021 लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर उसने अपने साथियों के साथ राजस्थान के गैंगस्टर जब्बार सिंह के साथ मुठभेड़ की थी। इस वारदात में 2 लोग गोली लगने से घायल हुए थे। स्पेशल सेल के मुताबिक गिरफ्तार किया गया नीतीश उर्फ प्रधान बहादुरगढ़ का रहने वाला है। नीट शव प्रधान ने DU पत्राचार से ग्रेजुएशन करने के बाद बहादुरगढ़ में कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। इस दौरान उसकी दोस्ती इसी झज्जर निवासी कपिल से हुई। उसने नीतीश को नरेश सेठी गैंग में शामिल होने के लिए कहा। तब सेठी जेल में था। वो पुलिस कस्टडी से भागने की योजना बना रहा था। नरेश ने पुलिस कस्टडी से भागने के बाद संदीप उर्फ काला जठेड़ी को पुलिस कस्टडी से भगाया था। इसके बाद दोनों की दोस्ती काफी गाढ़ी हो गई थी। बाद में दोनों ने काला राणा और लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाशों से भी हाथ मिला लिया था। टॉप बदमाशों के अरेस्ट होने पर गैंग की कमान नीतीश के हाथ में आ गई थी। फिलहाल उसे गैंग ने युवकों को भर्ती करने की जिम्मेदारी दी थी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।